भव्यता के साथ मनाया डॉक्टर स्वामी राम का 26वां महासमाधि दिवस। डोईवाला जोली ग्राउंड हिमालयन हॉस्पिटल में HIHT संस्थापक डॉक्टर स्वामी राम का 26वां महासमाधि दिवस भव्यता के साथ मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जोली ग्राउंड में अध्यात्म, स्वास्थ्य और तकनीक शिक्षा का गढ़ है। नव भारत समाचार डोईवाला से ज्योति यादव की रिपोर्ट। स्वामी राम जी ने आज के ही दिन 1996 में अपना नश्वर शरीर त्यागा था और उसके बाद हम हर साल ये जो 13 नवंबर का दिवस होता है एक श्रद्धांजलि दिवस के रूप में हम लोग तब से 1997 से मनाते आ रहे हैं और हम सब लोग इकट्ठा होकर उनको याद करते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। उनके नाम से हम लोगों ने एक स्वामी राम मानवता पुरस्कार जो शुरू किया था 2003 से, लगातार प्रतिवर्ष इसको हम देते आ रहे हैं। आज वो पुरस्कार विनोबा आश्रम शाहजहाँपुर को मिला है और हमारा यह प्रयास रहता है कि ऐसे लोगों को चुना जाए जो लोग धरातल पर समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। स्वामी जी को विदेशों में भी याद किया जाता है उनके विदेशों में स्वामी राम जी ने ऐसे समय में योग को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। उस समय मीडिया तो बहुत ज़्यादा था नहीं और 1968 और 69 में जो सारी तपस्या का उन्होंने योग विज्ञान का जो पराकाष्ठा उनको थी उसमें आजकल के योगी मुझे नहीं लगता कोई हिंदुस्तान में इस तरह का योगी होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 17 सेकंड के लिए अपने हार्ट को रोक देना, अपने हाथ के यहाँ और यहाँ दोनों जगह 10 डिग्री फॉरेनहाइट का टेम्परेचर अलग कर देना, एक हाथ पे रक्त संचार करना, दूसरे हाथ पे रक्त संचार रोक देना। तो स्वामी राम जी ने अपनी योग विद्या से उस समय ये प्रूव किया कि मेडिकल साइंस जिसको कहती है कि शरीर का जो कोई सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं सांस के द्वारा। उन्होंने योग विज्ञान के ऊपर जो फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए अमेरिका में और उसकी वजह से फिर जब स्वामी जी प्रसिद्ध हुए तो उन्होंने जो धन उनका इकट्ठा हुआ अल्टीमेटली उन्होंने ये निर्णय लिया कि जहाँ मेरी जन्मभूमि है मैं उस जन्मभूमि के लोगों के लिए इस धन को लगाऊंगा और वो अपना सब कुछ संस्था के लिए छोड़ गए, अपने किसी भी परिवार के मेंबर को किसी को कुछ नहीं दिया, सब कुछ संस्था के लिए छोड़ करके जन सेवा के लिए छोड़ गए। उन्होंने एक शंकराचार्य के बाद इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा किया मानव की सेवा करने की मन में बनी और आज आप देख रहे हैं कि उनके अन्वय लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल साइंस में तो इतना बड़ा प्रकल्प यहाँ खड़ा हो गया, इतना बड़ा हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खड़ी हुई विभिन्न प्रकार से, लेकिन गांव घरों के अंदर 500 से ज़्यादा जगहों पर आपने पानी दे दिए हैं, 14,000 से ज़्यादा आपने शौचालय दे दिए हैं, इसी तरह से आपने करीब करीब 1,000 लोगों को होम स्टे की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और हाथ पकड़ के कह रहे हैं नहीं आप पलायन मत करिए आप खड़े होइए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और 74,000 लोगों की सेवा आपने करी यहाँ पर, अभी जब कोरोना आया था जब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे तो उस समय यहाँ पर जोली ग्राउंड हॉस्पिटल आपका यानी कि मेडिकल कॉलेज जो पूरा है इसके लिए तहे दिल से स्वागत करते हुए आगे बढ़ा और डेडिकेशन के साथ काम किया हुआ है। इसलिए मैं बधाई देता हूँ जो स्वामी राम जी ने पौधा जो लगाया था, एक संत के हाथ का, एक डॉक्टर के हाथ का जो पौधा लगा था विदेश में से पैसा लाला के उन्होंने यहाँ पर पौधा रोपण किया था, आज वो फलित हो गया है, आज वो बड़ी प्रचार ये बहुत बड़ी बात है। जो विनोबा भावे कार्यकर्ता है उनको सम्मानित किया गया है, वास्तव में उनकी सेवा का सही मूल्यांकन किया गया है, इसके लिए भी मैं